से एक अंधे का डर बनूंगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले देवरा मूवी की ओवरसीज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, बात करने वाले स्त्री 2 मूवी की 33 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी की 12 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और इन तीनों में से कौन सी मूवी ने बाजी मार चुकी है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं देवरा मूवी के बारे में। तो देवरा मूवी की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग लेवल पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। जहाँ देखा जाए तो इस मूवी को 2 से 3 वीक पहले ओवरसीज में एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन करना शुरू कर चुकी है एडवांस बुकिंग लेवल पर। और ये मूवी पहले दिन पर ओवरसीज में एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर सभी मूवी की रिकॉर्ड तोड़ देती है या फिर नहीं। आप लोगों को क्या लगता है ओवरसीज से ये मूवी पहले दिन पर कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी? देखा जाए तो इस मूवी की इंडिया की एडवांस बुकिंग शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन इस मूवी की इंडिया की एडवांस बुकिंग भी 4 से 5 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इस मूवी की एडवांस बुकिंग इंडिया में कब तक शुरू होती है। वैसे देखा जाए तो इस मूवी की एडवांस बुकिंग 4 से 5 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन इस मूवी की एडवांस बुकिंग कब तक शुरू होती है ये तो देखने वाली बात होगी। और इस मूवी के ओवरसीज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ निकल के आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी ने ओवरसीज से एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है $1.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये मूवी इंडियन रुपीज में लगभग 12 से 13 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है और इस मूवी की टिकट लगभग 40,000 के आसपास बिक चुकी है, जो कि पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कलेक्शन है। जबकि इस मूवी को अभी भी रिलीज होने के लिए लगभग 10 दिन से ज्यादा के टाइम बाकी है, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड बना। और आप लोग देवरा मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मूवी जब 27 सितंबर को रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। जहां स्त्री 2 मूवी की बात करें तो स्त्री 2 मूवी को आज रिलीज हुए 33 दिन हो चुके हैं और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है। इस वीकेंड तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी आज आ चुकी है मंडे और मंडे के दिन से किस तरह से कलेक्शन कर पाती है। लेकिन देखा जाए तो ये मूवी आज के दिन पर भी अच्छी खासी कलेक्शन कर जाएगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस मूवी को 1 महीने से ज्यादा हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। वैसे देखा जाए तो इस मूवी के लिए पब्लिक की तरफ से भी अभी तक अच्छी रिस्पॉन्स दिखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस मूवी की कलेक्शन अभी तक ड्रॉप नहीं हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड आने के बाद बड़ी जंप ले लेती है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना देती है वीकेंड आने के बाद। और आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में केवल रिलीज किया गया था और इस मूवी का बजट लगभग 80 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जवान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी मूवी की रिकॉर्ड तोड़ पाती और इस मूवी की 31 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की 31 दिनों की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की। इस मूवी ने 31 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 548 करोड़ 10 लाख और इस मूवी ने 31 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 654 करोड़ 15 लाख और इस मूवी ने 31 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 123 करोड़ और इस मूवी ने 31 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 777 करोड़ 15 लाख और इस मूवी ने जवान मूवी की नेट कलेक्शन की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इस मूवी ने जवान मूवी की रिकॉर्ड तोड़ के बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। जहां जवान मूवी की लाइफ टाइम की नेट कलेक्शन थी 540 करोड़ और इस मूवी ने 31 दिन में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 548 करोड़ 10 लाख। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 32वें दिन की कलेक्शन की। इस मूवी ने 32वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 7 करोड़ और इस मूवी ने 32 दिन में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 555 करोड़ 10 लाख। और इस मूवी के 33वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 3 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी। आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है
तो चलिए अब बात कर लेते हैं थालापति विजय की मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी की 12 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी से जितनी उम्मीद की गई थी उस तरीके से तो कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फर्स्ट वीकेंड में इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी थी बॉक्स ऑफिस पर। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। वैसे देखा जाए तो इस मूवी से उम्मीद की जा रही थी कि ये मूवी 600-700 करोड़ की आसानी से कलेक्शन कर लेगी, लेकिन ये मूवी 600-700 करोड़ की कलेक्शन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये मूवी आसानी से हो सकता है 400-500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर जाए। अब देखते हैं इस मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जा पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाती है। और इस मूवी को पब्लिक की तरफ से अच्छी रिस्पांस देखने को मिली थी, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रही थी और इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन फर्स्ट वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर चुकी थी। लेकिन इस मूवी के वर्किंग डे आने के बाद लगातार ड्रॉप होते चले गई कलेक्शन। अब देखते हैं इस मूवी की सेकेंड वीकेंड में किस तरह से कलेक्शन निकल के आती है और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले थालापति विजय, प्रभु देवा और मालविका शर्मा देखने को मिलने वाली है, जहाँ इस मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास है और इस मूवी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ इस मूवी को हिंदी में भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था। वैसे देखा जाए तो इस मूवी की हिंदी कलेक्शन अच्छी निकल के आ चुकी है और इस मूवी ने पैन इंडिया लेवल पर भी एक ठीक ठाक कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन देखा जाए तो इस मूवी के अपने बजट के हिसाब से कलेक्शन निकल के नहीं आई है। लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है और ये मूवी जितनी उम्मीद की गई है उससे ज्यादा की कलेक्शन कर पाएगी या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की 10 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 198 करोड़ 25 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 232 करोड़ 85 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 136 करोड़ 65 लाख और इस मूवी ने 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 369 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 14 करोड़ 25 लाख। संडे के दिन पर इस मूवी ने एक बड़ी जंप दिखाई और इस मूवी ने संडे के दिन पर 14 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी ने 11 दिनों में टोटल एरिया नेट कलेक्शन कर लिया 212 करोड़ 50 लाख। और इस मूवी की 12वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 6 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों ने द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और स्त्री 2 मूवी को तो देख लिया है, जहां देवरा मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।